Integrate it. Add wins to your career. So welcome back everyone. So last class में हम लोगों ने बात कर ली थी अपने यूनिट वेट्स की, पढ़ ली थी 8 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी. आज हम लोग नेक्स्ट 9 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रॉपर्टी नंबर 9. स्पेसिफिक ग्रेविटी. अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले तो दो तरह की होती है, बट होता क्या, सिंपल ही हम बात करते हैं. यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस. क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस. अब जैसे मान लो हमें सॉइल का फाइंड आउट करना है, तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर. अब स्टैंडर्ड सब्सटेंस की बात करें, इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या हो जाता है अपने वाटर, एंड इन केस ऑफ गैस अपने स्टैंडर्ड सब्सटेंस हो जाता है एयर. अब इनका अपने को यूनिट वेट मालूम होना चाहिए. वाटर का क्या होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपने यहाँ पर यही काम का, ठीक है. वैसे इसका 0.0013 होता है, पर अपने काम का नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है. और बस अपने को इतना पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड गैस के केस में एयर होता है और सॉलिड्स और लिक्विड के केस में वाटर. अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है अपने दो तरह की. पहला होता है एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब इसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी एस से. तो एब्सोल्यूट इसको ट्रू भी बोलते हैं, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं. अब देखो बात क्या है कि एब्सोल्यूट या इसको ट्रू क्यों बोलते हैं. ट्रू का मतलब क्या है कि अपन बात किसकी कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं, तो जी इक्वल टू आएगा गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू. गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू, ठीक है, गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू. अब ये जनरली क्या होता है कि कौन से टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, एट 4 डिग्री सेल्सियस. अब कुछ लोगों ने यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस पढ़ा होगा, वो इंडिया के लिए स्टैंडर्ड जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस है. अब 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों, क्योंकि जो गामा डब्ल्यू का जो यूनिट वेट है ना 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पाता है. 4 से कम पे भी कम हो जाता है और 4 से ज्यादा पे भी कम. इनकी जो डेंसिटी है, हमने जो डेंसिटी पढ़ी थी वाटर की, क्या 1 ग्राम पर सीसी, वो डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 से कम टेम्परेचर होगा तब भी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और 4 से ज्यादा होगा तब भी क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो इसलिए जी इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक. अब गामा एस क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स. अगर मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं तो जी इक्वल टू गामा एस का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, डब्ल्यू एस अपॉन में वी एस, और गामा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में वी डब्ल्यू. अब देखो एक चीज क्या है इसमें, अब ये भी पर इस इन दोनों यूनिट, ये पहली बात तो यूनिटलेस होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी. यूनिटलेस कैसे हुआ, यूनिटलेस अपने ऐसे हुआ कि इसकी भी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट की, और इसकी भी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो कैंसिल आउट हो जाएगी. अब ये जो पर मीटर क्यूब है इसका मतलब वॉल्यूम क्या ले रहे हैं हम लोग, 1 मीटर क्यूब. वॉल्यूम हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 मीटर क्यूब या फिर 10 मीटर क्यूब. अगर इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो इसका भी 1, इसका 2 है तो इसका भी 2, इसका 10 है तो इसका भी 10. यानी वॉल्यूम अपना क्या होता है, सेम वॉल्यूम सेम है. इसका मतलब वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस इक्वल टू वी डब्ल्यू. इन केस ऑफ सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं, जब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं तो सॉलिड्स का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम हम लोग सेम रखते हैं. तो मान लो 1 मीटर क्यूब में कितना वेट आ रहा है पानी का, और उतने ही वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ सॉलिड्स आएगा, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस एट सेम वॉल्यूम. बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वॉल्यूम अलग नहीं करना है. तो जी को मैं किस दूसरे किस फॉर्म में लिख सकता हूं, डब्ल्यू एस अपॉन में डब्ल्यू डब्ल्यू में, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने ये हो गया. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ लेते हैं कभी कभी, क्या किन की पूछ लेते हैं, कुछ सॉइल्स की. तो अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जनरली 2.6 से लेकर 2.9,
ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इनमें से हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और अगर वही सॉइल ऑर्गेनिक है, अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो हमको क्या लेना है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए लेना 1.2 से 1.4, बट हम जनरली भी कुछ लेते हैं। ये तो हो गया कि इनमें से कुछ लेना है, लेकिन जनरली क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं जनरली 2.65 फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल एंड 1.2 फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स। तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद रखनी है। बहुत बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होती स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, तो जहां पर न्यूमेरिकल आ जाता है, छोटा न्यूमेरिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन नहीं है, तो वहां पर आपको 2.65 लेनी। और मैं आपको एक जगह ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ, बहुत बार वो क्वेश्चन आया हुआ कि पूछा हुआ है कि वहां पर हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। अभी वो क्वेश्चन में यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको बता दूंगा कि ये चीज मैंने पहले भी बताई थी आपको, तो ये याद रखना है ना कि वो कहां भी बताऊंगा। अभी उस चीज को यहाँ समझा दूंगा तो कोई फायदा नहीं समझ में आना, ठीक है, पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अच्छी बात है, याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो आगे पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बात होगी अपने एब्सोल्यूट या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये जी या जीएस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब सेकंड होता है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेकंड क्या होता है, बी पॉइंट क्या है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, बी है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपेरेंट या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीन नाम है, मास, एपरेंट या बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसको डिनोट करते हैं जी एम से, इससे डिनोट करते हैं जी एम से, ठीक है। अब जी एम हो गया तो अब जी एम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहां पर गामा एस नहीं आएगा। अब नाम आ रहा है देखो बल्क, तो मैंने आप लोगों को पहली बल्क यूनिट वेट बताया था, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, गामा आता है, तो बस डिफरेंस क्या है, वहां पर गामा एस था, यहां पर क्या हो जाएगा गामा, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा सिर्फ गामा। तो जीएम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गया, गामा अपॉन गामा डब्ल्यू। तो अगेन जीएम को अगर मैं वेट के टर्म में लिखूं, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो ये वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट ऑफ सॉइल होगा, सॉलिड्स का नहीं, टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम, यहां पर भी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो अपने जो चीज है यहां पर मैं बोल रहा हूँ टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वेट ऑफ सॉइल और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, क्यों, क्योंकि सॉइल के अंदर तो गैस भी होगी एयर भी होगी, लेकिन जब हम लोग एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं ना, तब वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर वगैरह होता है, वाटर वगैरह होता है, उन सबको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन इस केस में हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर है, अगर एयर है उसमें तो एयर का वॉल्यूम भी लेंगे, वाटर है तो उनका वेट भी लेंगे और वॉल्यूम भी लेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिफरेंस यही है। अब सवाल आ जाता है भाई बड़ा कौन, जीएस बड़ा कि जीएम, जीएस बड़ा कि जीएम, तो अपने को फॉर्मूले से पता है इसमें आ रहा है गामा एस, इसमें आ रहा है गामा, और ये मैं पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था कि गामा एस क्या बताया था, गामा एस ग्रेटर देन गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट में, फिर गामा बल्क, फिर गामा ड्राई, फिर गामा संबंध, ये बताया था। तो अगर गामा एस ग्रेटर देन गामा है तो जी एस ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम होता है, तो जी एस क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन, तो यानी कि एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो जनरली इंडिया में क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करते हैं, तो अगर उसके अलावा किसी और टेम्परेचर पे मेजर करेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जी किसी टी डिग्री सेल्सियस पे हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो जी एट ए टी डिग्री सेल्सियस इनटू गामा डब्ल्यू एट ए टी डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू जी एट 27 डिग्री सेल्सियस इनटू जी गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। बस इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना, दो टी वाले डिग्री सेल्सियस को एक तरफ, 27 वाले को एक तरफ। अब अगर तो मेरे को जी एट टी डिग्री सेल्सियस निकालना है तो क्या हो जाएगा, जी एट 20 डिग्री सेल्सियस इनटू गामा डब्ल्यू एट 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू एट टी डिग्री सेल्सियस। मेरे को इसके अलावा कुछ याद रखना है नहीं, ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 10, 10 नंबर प्रॉपर्टी क्या है अपनी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत काम की चीज है ना, अपने को ध्यान रखना है, एक एक चीज को ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती, तो कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आप वहां पे पढ़ गए, पढ़ लिया आपने सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसको एब्सोल्यूट मान लिया, अगर सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हुआ है तब भी उसका मतलब एब्सोल्यूट ही होता है, जब तक वो मास नहीं लिखे या बल्क नहीं लिखे या अपेरेंट नहीं लिखे तब तक उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी से ही होता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। तो नेक्स्ट आ जाएगा अपने रिलेटिव डेंसिटी, क्या आ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी,
रिलेटिव डेंसिटी हो गया, या इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, या डिग्री ऑफ डेंसनेस भी बोलते हैं। दो तीन नाम है, डिग्री ऑफ डेंसनेस। अब भाई साहब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई डी से, इससे आई डी से। अब ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूले से समझाते हैं। तो ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल अपॉन में ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो ई मैक्सिमम कब होगा, ई मैक्सिमम कब होगा, वॉइड रेशियो मैक्सिमम कब होगा, जब सॉइल क्या लूजेस्ट स्टेट में होगी, डेंसेस्ट स्टेट में। मैं पहले आपको प्रॉपर्टी बता दिया, अगर ई मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो सॉइल किसमें होगी, लूजेस्ट में, डेंसेस्ट में। तो सॉइल का वॉइड रेशियो इनकी खाली जगह सबसे ज्यादा कब होगी, जब सॉइल क्या होगी, लूजेस्ट स्टेट में होगी। तो ई मैक्सिमम मतलब सॉइल वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट, वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है ई नेचुरल, ई नेचुरल को कभी कभी ई भी लिखा होता है, सिंपल ई भी लिख देते हैं, ई एन या ई एक ही चीज है। तो वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट, जो सॉइल है उसी कंडीशन, नेचुरल स्टेट, ठीक है। और ई मिनिमम क्या होगा, वॉइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट, वॉइड रेशियो सबसे कम कम कब होगा, जब सॉइल क्या होगी, डेंसेस्ट स्टेट में, यानी खाली जगह सबसे कम होगी, तब उसमें वॉइड रेशियो भी कम होगा। भाई वॉइड रेशियो का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ई कम कब होगा, जब ये कम होगा, वॉइड्स कम होगी तो वो वॉइड रेशियो कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार, तो अगर डेंसेस्ट है तो वॉइड रेशियो मिनिमम होगा, और अगर सॉइल लूजेस्ट स्टेट में है तो वॉइड रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम। अब आईडी का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी नेचुरल स्टेट में जो भी उसका डेंसिटी है उसको कंपेयर करता है उसके मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी से और मिनिमम पॉसिबल डेंसिटी से। इससे कंपेयर करता है नेचुरल जो डेंसिटी है सॉइल की, नेचुरल स्टेट में, इनके अभी ग्राउंड में जो भी कंडीशन, उस कंडीशन में उसकी जो डेंसिटी है उसको किससे कंपेयर कर रहा है, नेचुरल से, और मतलब नेचुरल को कंपेयर कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी से और मिनिमम पॉसिबल डेंसिटी से। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसका मतलब ये होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में अगर देना हो तो 100 से, अदरवाइज पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। अब भाई हमने वॉइड रेशियो पढ़ा, डेंसिटी भी पढ़ी, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी का नया खेल आ गया, तो ऐसा क्यों? तो ये जो है वॉइड रेशियो, तो क्या होता है कि फिर भी थोड़ा मामला सही नहीं होता, उसके बाद थोड़ा उससे बेटर मामला आता है अपने डेंसिटी वाला, वो मामला भी अगर अपने नहीं बैठे तो सबसे बेस्ट मामला है, यानी कि जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर पूछ ले, डिग्री ऑफ डेंसनेस का सबसे बेस्ट इंडिकेटर पूछ ले जाए आपको, तो कौन है अपना, ये रिलेटिव डेंसिटी इज द बेस्ट इंडिकेटर। चाहे आप इसको लिख लो, ये भाई साहब बढ़िया है, बेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। सबसे कम वॉइड रेशियो काम में लेते हैं, अगर अपन इंडिकेटर की बात करें डेंसनेस के रेस्पेक्ट में, तो सबसे बेस्ट अपना ये है रिलेटिव डेंसिटी। अब भाई साहब ये जो है चीज, ये अपनी जनरली कोर्स ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल्स पे काम में नहीं लेते। अब बोलो कि सर फाइन ग्रेन सॉइल पे काम में क्यों नहीं लेते, भाई वॉइड रेशियो तो उसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग मैक्स मिनिमम वॉइड रेशियो निकालते हैं ना, जब डेंसेस्ट स्टेट में निकालने की कोशिश करते हैं इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, तो काफी सारी अनसर्टेनिटीज आ जाती है, यानी कि जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस वजह से जो नेचुरल, जो उसका मिनिमम वॉइड रेशियो, वो हम लोग फाइंड आउट सही से नहीं कर पाते, उसमें एरर आ जाता है। उस एरर की वजह से हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल्स पे इसको काम में ना लेके इसको सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए काम में लेते हैं। अब इसका एक और फॉर्मूला देखो, एक आपको पता है कि डेंसिटी अगर ज्यादा होगी सॉइल की, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो, सही है कि नहीं? अगर डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब वॉइड रेशियो उसमें क्या कम है, डेंसिटी ज्यादा मतलब वॉइड रेशियो कम। तो इसको कैसे करें, अगर इसका फॉर्मूला मेरे को बदलना है, इसको मैं डेंसिटी की टर्म में लिखूंगा, वो भी किसमें, ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में, तो आईडी का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, आईडी इक्वल्स टू ई मैक्सिमम है तो यहां पर क्या हो जाएगा, गामा डी क्या हो जाएगा, मिनिमम, और किसमें, ऑपोजिट में। देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका, देखो गामा डी अब यहां मैक्सिमम है तो यहां मिनिमम, माइनस वन अपॉन एक्स, यहां पर सिंपल गामा डी, अपॉन में क्या हो जाएगा, वन अपॉन गामा डी मिनिमम, माइनस वन अपॉन में गामा डी मैक्सिमम, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, जो आपको अच्छे से पता है कि
ड्राई डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसके होती है ड्राई डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ड्राई डेंसिटी या कोई भी डेंसिटी हो वॉइड रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा वॉइड रेशियो उतना कम आएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे सॉइल जो नेचुरल स्टेट में ड्राई हो, मल्क भी हो सकती, तो अपन इसको सिंपल गामा लिख लेते, कोई इश्यू नहीं, गामा डी भी लिख सकते हैं, गामा भी लिख सकते हैं, सैचुरेटेड हो तो सैचुरेटेड लिख लेंगे, जैसे स्टेट होगा वैसा लिख लेंगे नेचुरल स्टेट, तो इसलिए मैंने इसको बल्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसको सही से डी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में ये वाला फॉर्मूला ना देके वो क्या करता है, एक नया फॉर्मूला बनाता है। अब नया फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, तो मेरे को पता है कि यहाँ पर नीचे एलसीएम क्या आएगा, गामा इंटू गामा डी मिनिमम, नीचे आएगा गामा डी मैक्सिमम इंटू गामा डी मिनिमम, तो गामा डी मिनिमम तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा गामा डी मैक्सिमम आई डी इक्वल टू गामा डी मैक्सिमम अपॉन में गामा इंटू, अब क्या जाएगा गामा माइनस गामा डी मिनिमम अपॉन में गामा डी मैक्सिमम माइनस गामा डी मिनिमम। कभी कभी ये फॉर्मूला भी दे देता है, तो ये भी याद कर लो बेटा, याद तो सारे ही करने हैं भाई, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में मान लो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आता है, ये दोनों नहीं आते तो, और क्वेश्चन में मान लो ये पूछ ले ये पूछ ले, अपना तो बेटा गर्क हो जाए, अपने को तो सिलेक्शन चाहिए, तो अपने को हर पॉसिबल जो फॉर्मूला है वो यहीं पे ट्राई करना है, यहाँ पर चाहे अपने को आधा घंटा लग जाए उस फॉर्मूले में, लेकिन परीक्षा में अपने को एक झटके में क्लिक होना चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, वहां पर आप है ना ऑप्शन से ट्राई मत करो कि यार ये ऑप्शन सही होगा कि वो, आप अपना आंसर अपने दिमाग में बैठाओ और फिर वो ढूंढो कि वो आंसर कहाँ गया, अपने को आंसर ऑप्शन से आंसर नहीं लगाना, अपने को अपने आंसर में से ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है ना। तो जो आंसर अपने को पता है उसमें से ऑप्शन ढूंढो। अब भाई पूछोगे कि सर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो आईडी की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बात कर लेते हैं, अब ये नीचे वाले मिटा देता हूं मैं, ये सब मिटा देता हूं, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम, अब एक चीज सोचो, अगर मान लो ई नेचुरल जो है वो ई या ई नेचुरल जो है किसके बराबर हो गया, ई मैक्सिमम, मान लो यानी कि जो सॉइल जो नेचुरल स्टेट में है वो लूजेस्ट कंडीशन में, सॉइल जो नेचुरल स्टेट में वो लूजेस्ट कंडीशन में, तो आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, आईडी क्वेश्चन हो जाएगा जीरो, कब, सॉइल इज इन लूजेस्ट स्टेट, सॉइल किस में, इज इन लूजेस्ट स्टेट, ठीक है भाई। अब अगर मान लो जो नेचुरल कंडीशन में है वॉइड सॉइल उसका वो क्या है, ई मिनिमम के बराबर, वॉइड रेशियो जो नेचुरल है वो ई मिनिमम के बराबर, इसका मतलब क्या आएगा, आईडी क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगा 100, 100 कैसे आया भाई, दोनों सेम है ऊपर और नीचे सेम आ गया तो वन आ जाएगा, तो सॉइल इज इन किस में आ जाएगा, डेंसेस्ट स्टेट, यानी कि अगर सॉइल नेचुरली जो प्रेजेंट सॉइल है उसमें अगर वॉइड रेशियो ई मैक्सिमम के बराबर है तो सॉइल किसमें है, लूजेस्ट स्टेट में, और अगर वॉइड रेशियो उसका ई मिनिमम के बराबर है तो सॉइल किसमें है, डेंसेस्ट स्टेट में, तो अपने को यह पता लग गया कि वॉइड रेशियो की वैल्यू इससे किसके बीच में जा रही है, 0 से 100, तो इसको लिख सकते हैं 0 less than equals to ID less than equals to 100, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का खेल भी हो गया, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ लिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट पढ़ ली, ठीक है। तो अब इसमें एक और चीज है, कभी कभी ऐसे दे रखा होता है आईडी परसेंटेज में, ठीक है, और इधर पूछ लेते हैं डेस्क्रिप्शन लिख देते हैं, डेस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल। अब क्या है कि अगर आईडी की वैल्यू 0 से 15 है, फिर 15 से 35 है, फिर 35 to 65 है, फिर 65 to 85 है, एंड देन 85 to 100 है, तो सॉइल किस कंडीशन में, तो अगर 0 to 15 यानी आईडी वैल्यू बहुत कम है तो सॉइल क्या है, वेरी लूज सॉइल, वेरी लूज सॉइल, वी स्टैंड्स फॉर वेरी, है ना, 15 से 35 है तो सिर्फ लूज सॉइल, 35 to 65 है तो मीडियम डेंस सॉइल, क्या लिखना है, मीडियम डेंस सॉइल, अब इसको खाली मीडियम नहीं लिखना है, मीडियम डेंस लिखना है, 65 to 85 है तो डेंस सॉइल, और अगर 85 to 100 है तो वेरी डेंस सॉइल, ठीक है। ये आपको टेबल याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसमें भी टेबल में भी एक और अंदर चला जाता है, वो कभी कभी पूछ लेता है कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड की आईडी पूछ लेता है, किसकी, कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड, अब देखो ऑब्जेक्टिव है तो वो कहीं से भी पूछ सकता है, कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड की आईडी पूछ लेता है, तो उसकी आईडी होती है 0.95, यानी कि 95% ये भी याद रखो।
तो ये पूरा हो गया अपने क्या रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स या डिग्री ऑफ डेंसनेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो इसके बाद कभी कभी कुछ ऐसे कॉमन बात कर लेते हैं, अगर आईडी जाता है, मान लो आईडी ज्यादा तो क्या शो करता है, एक तो सॉइल को शो करेगा कि डेंस सॉइल है, दूसरा आईडी ज्यादा ज्यादा होने से यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होने से सॉइल जो होती है वो उसकी शेयर स्ट्रेंथ भी ज्यादा अच्छी होती है, जितनी खाली जगह कम होगी उतनी ज्यादा शेयर स्ट्रेंथ। अब शेयर स्ट्रेंथ अच्छी होगी उसके बाद उसमें क्या आता है कि कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी मैंने आपको बताया था जब इंट्रोडक्शन दे रहा था क्या होता है वॉल्यूम रिडक्शन। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है तो सॉइल विल बी डेंस, मोर शेयर स्ट्रेंथ, पजेस मोर शेयर स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, ये पूछ लिया जाता है। लिख लो आईडी मोर रिप्रेजेंट्स क्या करते हैं, डेंस सॉइल, पजेस हाई शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ मतलब ऐसे, अब शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है आगे बता देंगे अपन, बाकी आपने सो में पढ़ लिया होगा अगर सिलेबस में है तो। और फिर हो गया लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये तीनों चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भाई ये कोर्स ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टी आ गई तो फिर फाइन ग्रेन सॉइल कहेगा मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, मेरा भी कुछ इंतजाम करो, तो आप उसका इंतजाम कर देते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर्टी आ जाएगी अपनी रिलेटिव कॉम्पैक्शन, क्या आ जाएगा रिलेटिव कॉम्पैक्शन। भाई साहब इंतजाम तो अपने को सबका करना पड़ता है, ऐसे नहीं छोटे वाले को दे दो बड़े वाले को ऐसे ही रख दो, कोई नहीं बड़ा है कमा लेगा, ऐसे नहीं होता। तो छोटे बड़े सबका ख्याल रखना होता है, भूख सबको समान लगती है। तो ये रिलेटिव कॉम्पैक्शन आ गया प्रॉपर्टी नंबर 11, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। अब ये क्या है, अब ये वैसे तो ये सबके लिए अप्लीकेबल है, कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन सॉइल दोनों के लिए, बट मोस्टली मैं यहां लिखूंगा मोस्टली, ये तो आरसी किसके लिए है, मोस्टली कोर्स ग्रेन सॉइल के, सॉरी फाइन ग्रेन सॉइल है ना, बाकी तो जनरली तो अगर बात करें तो मैं इसको कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए भी काम में ले सकता हूं, बट मोस्टली इट इज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। अब अगली बात, अब ये क्या होता है भाई आरसी, ये बड़ा सरल फॉर्मूला है इसका, इसका होता है गामा डी फील्ड, ठीक है, क्या हो गया गामा डी फील्ड अपॉन में गामा डी लेवल। ये बोलता है कि कोई भी जो सॉइल है उसकी फील्ड में ड्राई डेंसिटी टू द उसकी लैब में कितनी मैक्सिमम कर सकते हैं हम लोग, यानी कि नेचुरल स्टेट टू द मैक्सिमम पॉसिबल ड्राई डेंसिटी। इसको और कैसे लिख सकते हैं, गामा डी नेचुरल, फील्ड में जो होती है वो तो नेचुरल होती है, अपॉन में गामा डी मैक्सिमम, लैब में हम उसको चाहे कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। ये आ गया अपना रिलेटिव कॉम्पैक्शन। अब कभी कभी पूछ लेते हैं भाई साहब वॉइड रेशियो की टर्म में, तो ये लिख लो वही 1+E minimum अपॉन में 1+E। अब ये E नेचुरल, देख लो यहाँ पर नेचुरल था, अभी मैंने बताया वॉइड रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्राई डेंसिटी है, देखो यहाँ पर नेचुरल ऊपर है तो यहाँ नीचे आ गया, यहाँ गामा डी मैक्सिमम यहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है तो मिनिमम क्या आ गया ऊपर आ गया वॉइड रेशियो को, ये ध्यान में रखना है। अब भाई साहब आरसी और रिलेटिव कॉम्पैक्शन और रिलेटिव डेंसिटी में भी कुछ रिलेशन है आपस में, तो वो रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आरसी इक्वल्स टू क्या होता है 80+0.2 आईडी, कितना क्या होता है 80+0.2 आईडी। अब ये 0.2 आईडी से क्या लेना देना यहाँ, तो मैं बात करते हैं अगर आईडी इक्वल्स टू जीरो, आईडी इक्वल्स टू जीरो अपन ने बात करी थी कहां पे, सॉइल इज इन लूजेस्ट स्टेट, यानी कि सॉइल अपने सबसे कम घनत्व वाली स्थिति में है, आज तो अच्छी खासी है। तो अगर मैं इसके आईडी वैल्यू जीरो रखूंगा तो मेरे आरसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, ठीक है भाई, इसका मतलब आरसी की वैल्यू क्या होगी मिनिमम अपने 80 हो गई, ये इसकी लिमिट्स लिखवा रहा हूं। अगर आईडी मेरा 100 हो जाएगा तो सॉइल किसमें है, सॉइल इज इन डेंसेस्ट स्टेट, इनकी सबसे ज्यादा घनत्व जो हो सकता है उस सॉइल का उसमें, तो आरसी की वैल्यू उस समय हो जाएगी 100। तो आरसी की वैल्यू हो गई स्टैंड्स 80 to 100, 100 भी हो सकती है 80 भी हो सकती है और उसके बीच में भी रह सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, अब कई कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं इसलिए ऐसे लिख देते हैं कि सर हर बार तो आपने ऐसे लिखा इस बार ऐसे नहीं लिखा, तो ये लिख लो भाई ऐसे भी लिख दिया, अपने को समझ में आना चाहिए कैसे लिखो, आ गया ये चीज क्लियर हो गई, तो मजा आया होगा अब तक। अब इसके बाद कुछ क्या है, छोटे मोटे नोट्स, नोट क्या होता है कि नोट से अपने को क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि
वैसा परीक्षा में कुछ उनमें से सवाल आ जाता है तो अपने हो जाएगा। एक बार देख लेता हूँ कुछ बच तो नहीं गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो अब नोट की ही बारी है, तो सारी अपने प्रॉपर्टीज हो गई। अब इन प्रॉपर्टीज के बाद दो तीन नोट लिखाता हूँ, उन नोट्स के बाद लिखाऊंगा नहीं, मतलब समझाऊंगा, लिखना आपको अपने आप नोट्स बनाने। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ए प्रॉपर्टीज की। तो बात करते हैं नोट की। तो भाई साहब हमारा नया टेस्टर आ गया है, ये देखो कपड़े यार साफ ही नहीं होता। तो भाई साहब नोट नोट पहला एक बात बताओ मेरे को, वर्ड रेशियो क्या समझाया था मैंने आपको? वर्ड रेशियो इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस लेस देन वन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है उसके अंदर कुछ न कुछ, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कुछ न कुछ एयर है यानी कंप्लीटली वाटर नहीं है। और जहां पर डिग्री ऑफ सेचुरेशन ग्रेटर देन है इक्वल टू वन यानी कंप्लीटली सेचुरेटेड सॉइल की बात कर रहा हूं, वहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब बराबर की बात कर लेते हैं। सैचुरेशन कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर होती है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। और यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेस देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सही है? इनको वापस सेम तरह से लिखे दोनों एक तरफ, ठीक है। अब बात आती है, कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता होता है चीज लेकिन वहां पर एकदम क्लिक नहीं करती। अगर मैं वॉइड मेरी सॉइल जो है पार्शियली सैचुरेटेड, भाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन लेस देन वन है, इसका मतलब सॉइल क्या पार्शियली सैचुरेटेड। अगर ऐसी कंडीशन में मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि पानी बढ़ाता जा रहा हूं, अगर मैं पानी बढ़ाता जा रहा हूं तो क्या मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज होगा? नहीं होगा। जब तक मैं सैचुरेटेड नहीं होऊंगा, जब तक मेरी सॉइल सैचुरेटेड नहीं होगी, तब तक मेरा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और ना ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज होगा। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, अगर मेरी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है यानी ये फर्स्ट वाला केस ए वाला, ये ए है ये बी है, तो मैं अगर ए कंडीशन की बात कर रहा हूं यानी कि सॉइल मेरी पार्शियली सैचुरेटेड है, अगर मैं वहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज कर रहा हूं पानी डाल रहा हूं, तो जब तक कि मेरा सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड रहेगा, जब तक ए कंडीशन तक रहेगा, तब तक वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कोई चेंज नहीं आएगा। और मान लो सैचुरेटेड तक पहुंचेगा उसके बाद चेंज होने लगेगा, तो जब तक सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है तब तक वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितना ही ऐड करूं मेरे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड पे कोई फर्क नहीं आएगा। लिख लो इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, लिख लो इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजेस, इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजेस अप टू द सैचुरेशन कंडीशन, अप टू है ना यानी कि सैचुरेशन कंडीशन तक, देन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल नॉट चेंज, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर सैचुरेशन कंडीशन है या उससे ज्यादा आ गया, मान लो S इक्वल टू वन आ गया, तो वहां पर क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब अगर मैं वहां पे यहां पर अगर मैं पानी का वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो मेरे वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ेगा तो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर ये बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यानी कि बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ा रहा हूं, इससे मान लो मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज करा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज, इससे क्या फर्क पड़ेगा? टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो। तो पार्शियली सैचुरेटेड में तो पानी का वॉल्यूम इंक्रीज करने पे कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन सैचुरेटेड सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी इंक्रीज हो रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी इंक्रीज हो रहा है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो ये हो गया नोट नंबर वन। अब नोट नंबर टू, अब नोट नंबर टू क्या है कि कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, कभी कभी गप्पे मारने के चक्कर में, तो क्या बोलते हैं वो? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। पहला चीज क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म ग्रेडेड, यूनिफॉर्म ग्रेडेड। अब ये यूनिफॉर्म ग्रेडेड भी आगे आएगा, बस अभी तो रटने के हिसाब से देख लो इसको। यूनिफॉर्म ग्रेडेड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल मैं इनको अच्छे समझाऊंगा, और स्फेरिकल शेप, यूनिफॉर्म ग्रेडेड स्फेरिकल शेप, ठीक है, इसका सॉइल का स्फेरिकल शेप ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉइल के जो पार्टिकल है वो कैसे स्फेरिकल शेप है और यूनिफॉर्म ग्रेडेड। अभी यूनिफॉर्म ग्रेडेड का मतलब ये समझ लो कि सभी क्या है एक ही साइज के हैं, ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम साइज, तो यूनिफॉर्म ग्रेडेड स्फेरिकल शेप ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो जो वॉइड रेशियो होगा वो दो कंडीशन में हो सकता है,
इनमें दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन क्या बनेगा, या तो मैक्सिमम वाला, दूसरा क्या बनेगा, या मिनिमम वाला। अब भाई साहब मैक्सिमम कंडीशन कब होगी, वॉइड रेशियो की बात हो रही है, वॉइड रेशियो ये लिख लो E इक्वल टू मैक्सिमम एंड E इक्वल टू मिनिमम। कब होगा वॉइड रेशियो मैक्सिमम, तब होगा जब उनका अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, क्यूबिकल एरे। अब बोलोगे सर ये क्यूबिकल एरे क्या है, तो ये भी समझेंगे हम यहाँ पे समझाने के लिए, कोई मजे करने के लिए थोड़ी है। रोम्बो, और अगर E मिनिमम कब होगा, जब वो रोम्बो हेड्रल हो, रोम्बो हेड्रल। अब क्या होता है, अब E मैक्सिमम उस टाइम में कितना हो जाएगा, तो E मैक्सिमम हो जाता है उस टाइम में 0.91 और पोरोसिटी उस टाइम में हो जाती है 47%। सिमिलरली वॉइड रेशियो मिनिमम कितना हो जाएगा, 0.35 और वॉइड पोरोसिटी हो जाएगा 26%। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसको रोम्बोहेड्रल को अपन प्रिज्मोइडल भी बोलते हैं, प्रिज्मोइडल। अब ये होता क्या है, सिंपल सी बात होता हूं मैं, पार्टिकल मान लो ऐसे अरेंज है। अब देखो भाई गोल गोल तो मेरे से बनेंगे नहीं, लिख तो दिया, फिर भी जैसे मेरे को गोल बनाना आता है मैं वैसे गोल बनाता हूं। ये अगर पार्टिकल ऐसे अरेंज है, एक के ऊपर एक है, क्या है, एक के ऊपर एक, यानी परफेक्टली ये 90 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है यहां पर कैसा बन रहा है, 90 डिग्री, इनके बीच में आपस में कैसा बन रहा है, ये 90 डिग्री। अगर ये ऐसा बन रहा है तो मेरा क्या होगा, क्यूबिकल एरे, आपस में क्या बन रहा है, 90 डिग्री। अब मतलब क्या है इनका, मतलब देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये कोई पार्टिकल है, ये मान लो स्फेरिकल है, इसके जस्ट ऊपर ही है, इसके साइड में नहीं, इसके जस्ट ऊपर आ रहा है, एग्जैक्टली अगर उसके ऊपर है, सारे पार्टिकल एक के ऊपर एक है, इनके बीच में कहीं नहीं जा रहे। अगर मैं बॉल्स को ऐसे सजाऊं मेरे को बहुत जोर आएगा, लेकिन जब ऐसे होता है तो ये जो बीच में खाली जगह आ रही है ना, ये वाली, ये अपने क्या आती, मैक्सिमम आती। अगर ये जगह मैक्सिमम आएगी तो वॉइड रेशियो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये तो ये वॉइड्स हो गई, ये देखो ये ऐसे, ये सारे क्या वॉइड्स है, तो ये वॉइड्स क्या होंगी, एक तो बड़ी बड़ी वॉइड्स होगी और मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब एक ये चीज हो गया, अब जो दूसरा लिखा है मैंने रोम्बोहेड्रल, वो अरेंजमेंट कैसा होता है, तो भाई साहब देखो ऐसे बनाया मैंने। अब क्या होगा, ये जो बीच में खाली जगह है ना, वहां चले जाएंगे, ये देखो ये फर्क आ गया, ये जो यहां पे खाली जगह है आपस, ये देखो, अब इसके ऊपर वाली किस में आ जाएगी, इसके ऊपर वाली इस लेयर में आ जाएगी, थोड़ा गोल नहीं बनने के चक्कर में मिल नहीं रहे आपस में, बाकी ऐसे एकदम अच्छे से मिले हुए। ठीक है, तो इस केस में ये जो एंगल बनता है अपना यहां पे, अपने को एंगल कोई नहीं पूछ रहा, एंगल तो सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, ये बनता है 60 डिग्री का, यहां बनता है क्यूबिकल एरिया में 90 डिग्री, यहां पे बनता है 60 डिग्री, एंगल से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान क्या रखना है कि अगर ये देखो, जैसे मैं आपको 4-5 मार्क कर समझा रहा, ऐसे आपको दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करो कि अगर ये जैसे 3 मार्क है, स्फेरिकल है भाई, ऊपर से इनका सरफेस तो स्फेरिकल है, तो इनकी खाली जगह के बीच में ला रहा हूं, ये मैंने खाली जगह के बीच में रख दिया, ऐसे देखो ये जो बीच में खाली जगह थी इसमें रखा, क्या रखा, खाली जगह के यार कहीं कहीं पे इनके कैप की वजह से दिक्कत हो, ये देखो खाली जगह के बीच में रखा तो मेरा आएगा प्रिज्मोइडल है, और अगर खाली जगह में नहीं रख के एक्जेक्टली ऊपर रखूंगा तो मेरा आएगा क्यूबिकल है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है एक, ये मान लो मैं सेंटर वाले की बात करूं, ये वाले क्रॉस वाले की, तो किसके कॉन्टेक्ट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, ये 6 के कॉन्टेक्ट में, एक ये नीचे वाला, 2 ऊपर वाला, 3 ये साइड वाला, 4 ये साइड, बोलो सर 4 ये 2 और कहां, एक इसके पीछे है एक आपके सामने, जो दो क्या है, एक इसके इधर वाला, ये क्रॉस सेक्शन है भाई, एग्जैक्टली तो है नहीं ना, एक इसके पीछे, तो 6 के कांटेक्ट में रहता है, 6 नंबर, ये पूछ लेता है क्यूबिकल एरिया में कितने के कांटेक्ट में रहता है, 6 नेबरिंग के, और इस कंडीशन में ये भाई साहब चले जाते हैं 12। ये डिफरेंस है। अब जितना आप ज्यादा लोगों के बीच में रहोगे उतनी आपकी क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। मान लो आपके इलाके में ज्यादा लोग रह रहे हैं, मतलब डेंसिटी ज्यादा, तो आपके पड़ोसी भी ज्यादा लोग होंगे, तो सिंपल सा मतलब, ज्यादा पड़ोसी तो वॉइड रेशियो आपका मिनिमम, कम पड़ोसी तो वॉइड रेशियो आपका मैक्सिमम। तो ये चीजें पूछ ले कभी कभी, ये 35% है, ये 26% है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो भाई इसके साथ अपने ये सब चीजें खत्म हो गई, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई नोट्स के साथ। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन
सॉलिड सॉइल प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज। अब तुम लोग बोलोगे सर हमको तो सीधा रिलेशन लिखा दो, तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई। रिलेशन आया कहां से समझ में आना बहुत जरूरी है, लिखाने का तो क्या है, नोट्स आपको कहीं मिल जाएंगे। तो अपना यह मोटो है समझाना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स नहीं बनवा रहा हूं मैं। तो भाई साहब अब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकल सॉइल प्रॉपर्टीज, तो इंटर रिलेशन शिप बिटवीन सॉइल प्रॉपर्टीज। यार राइटिंग सुधार नहीं है, कैसे सुधार है, ठीक है। तो सबसे पहली रिलेशनशिप बिटवीन, देखो ये है भाई डब्ल्यू डब्ल्यू एस और ये स्मॉल डब्ल्यू, ये सब कौन है। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है अपना टोटल वेट ऑफ सॉइल, डब्ल्यू एस क्या होता है वेट ऑफ सॉलिड्स, और ये छोटा डब्ल्यू कौन है, ये वाटर कंटेंट था ना, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या लिखा था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, ये था डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू एस। तो भाई साहब अब यह क्या कैपिटल डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर मैं यहां से डब्ल्यू एस कॉमन ले लू, डब्ल्यू एस कॉमन, तो डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू एस प्लस वन, तो ये क्या है, ये वाटर कंटेंट आ गया, तो कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू हो गया डब्ल्यू एस इंटू वन प्लस छोटा डब्ल्यू। सिमिलरली इसी प्रकार एक दूसरा रिलेशन पढ़ते हैं अपन, वी वी एस और वॉइड रेशियो में, वाइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वी बी अपॉन में वी एस, तो भाई टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है वी वी प्लस वी एस। तो यहां से मैंने क्या लिया, देखो इसमें ऐसा कुछ, ये तो सरल वाले है ना, मजा अभी मजा आना चालू होगा, यहां से वी एस कॉमन ले लिया तो वन प्लस वी बी अपॉन में वी एस, ये क्या आ गया वाइड रेशियो, तो टोटल वी इक्वल टू वी एस इंटू वन प्लस ई। अभी फिर ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन इनको समझाने कराने का मतलब ये है कि आगे सारे क्या है काम आने वाले तुम्हारे, है ना, तो ये सारी चीजें आपके काम आने वाली है, ये डायरेक्ट ये रिलेशन यहां से काम आने वाला। कभी कभी क्या होता है मान लो परीक्षा में समय हो और आपको ये याद नहीं आ रहे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए करा हुआ हो तो सही रहता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में रिलेशन। अब वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में क्या रिलेशन है भाई, सिंपल बात है, पहली बात तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ई इक्वल टू वी बी अपॉन वी एस, ठीक है, और पोरोसिटी नीटा क्या होता है वी बी अपॉन में टोटल वी। तो मैं इसको लेके करता हूं वन अपॉन, इसको उल्टा कर दिया, वन अपॉन नीटा इक्वल टू वी अपॉन में वी बी। वी को क्या लिख सकते हैं, अभी यहां देखो यही करा है, वी को मैं क्या लिख सकता हूं वी बी प्लस वी एस, तो वन अपॉन नीटा इक्वल टू वी अपॉन में वी बी प्लस वी एस अपॉन में वी बी अपॉन में वी बी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो वन अपॉन नीटा इक्वल टू हो गया वन प्लस ये क्या हो गया वन अपॉन में ई, तो नीटा इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन में वन प्लस ई। अब इनको सॉल्व करने पे ई अपॉन में वन प्लस ई आ जाएगा, और पोरोसिटी नीटा आ गया तो वॉइड रेशियो क्या आ जाएगा नीटा अपॉन में वन माइनस नीटा। देखो कहा कैसे करा मैंने, मैंने नीटा वाला फॉर्मूला लिया, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, किसी को भी कैसे करो। तो इसको लिया मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया टोटल वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं वीवी प्लस वीएस होता है मेरे को पता है, तो मैंने वीवी प्लस वीएस लिख के डायरेक्ट, देखो एक स्टेप में आगे बढ़ गया, तो यहां से लिख दो भले वीवी प्लस वीएस अपॉन में वीवी। तो फिर इनको मैंने अलग अलग कर दिया, कर सकते हैं ऐसे अलग अलग कर दिया, फिर मैंने उनको जो था उस नाम लिख दिया वापस, और फिर ये रिलेशन आ गया इनको वापस इंटरचेंज करने से, ठीक है। तो इंटरचेंज इंटरचेंज में नहीं बता रहा मैं आपको कहां से आया वो चीज है, इंटरचेंज में चले गए तो फिर तो समय यही इंटरचेंज में खत्म हो जाएगा, है ना, अपने को समय बर्बाद नहीं करना है। अगला ई डब्ल्यू जी एस, इसमें ई डब्ल्यू जी एस, अब ये बोलोगे जी और एस का मतलब, यहाँ वो जी एस नहीं, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बात नहीं हो रही, यहाँ एस दूर अलग है, मैंने आपको वहां पर बताया था मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी लिखता हूँ, ठीक है। तो ई वॉइड रेशियो, डब्ल्यू वाटर कंटेंट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले ई का फॉर्मूला क्या होता है वीवी अपॉन वीएस। अब भाई साहब इससे मेरे को क्या फाइंड आउट करने हैं आगे वाली चीजें, तो मैं इसको क्या करूंगा वीडब्ल्यू से मल्टीप्लाई करा,
क्या करा था वी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा कुछ ना कुछ तो होगा, इससे क्या निकलेगा? डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ जाएगा क्या? डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैसे आएगा? वी डब्ल्यू ओपन वी एस क्या होता है या वी डब्ल्यू ओपन वी बी क्या होता है? ये हो गया ना बेटा, तो ईक्वल टू वन अपॉन एस बाई डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यही होता है कि ना? तो ये हो गया वन अपॉन एस। फिर पीछे क्या बच गया? ये वाला बी डब्ल्यू बच गया और ये आ गया नीचे वाला पी एस। अब देखो, अब यहां से जी की फॉर्म में ले आते हैं, इसकी फॉर्म में जी जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जी इक्वल टू क्या होता है? गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू था, गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू। तो यहां से तो वी कुछ इतनी फर्क पड़ रहा, तो गामा एस इक्वल टू क्या होता है? गामा एस इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन में वी एस होता है। तो इसी प्रकार में गामा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में वी डब्ल्यू। तो मेरे पास जो यहाँ पे वी डब्ल्यू है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में गामा डब्ल्यू। तो ये एस इधर ले गया, एस ई इक्वल टू वी डब्ल्यू की जगह क्या लिखा मैंने? डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में गामा डब्ल्यू। और वी एस की जगह मैंने क्या लिखा? डब्ल्यू एस अपॉन में गामा एस। ठीक है, डब्ल्यू एस अपॉन में गामा एस लिख दिया। तो इसको फिर आपस में एस ई चल रहा है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू एस इंटू गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल क्या होता है? थोड़ी देर पहले लिखाया था पहला रिलेशन वाटर कंटेंट, और ये क्या होगा? गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, ये होता है जी, ये हो गया एस ई। तो ये कौन आ गया अपने? एस ई सहवाग आ गया। कौन आ गया? वीरेंद्र सहवाग। एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। ये सबसे ज्यादा सवाल इसी फॉर्मूले पर आता है, कोई भी परीक्षा में लगभग एक सवाल अपना फिक्स रहता है। ठीक है, ओपनिंग सवाल यही करता है ज्यादातर, अपने जैसे टीम इंडिया पहले सहवाग करता था, अपने यहाँ पर सॉइल में ये वाला सवाल अपने ओपनिंग करता है। तो ये बहुत ही जरूरी रिलेशन है बेटा, आया कहां से वो भी जरूरी है। ठीक है, परीक्षा में क्या है कि अब रिलेशन पढ़ने का फायदा क्या होता है? मैं डायरेक्ट ये लिखा दूं ठीक है, लेकिन बीच में ये वाले सारे फॉर्मूले रिकॉल हो जाते हैं, याद आते रहते हैं कि हाँ भाई ये पढ़ा था, जैसे ये याद आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो ऐसे चीजें याद आती रहती पढ़ते रहने से। ठीक है, बाकी तो क्या है कि ऐसी मुंह माया ऐसा चलता रहता है। अगली प्रॉपर्टी नंबर चार, प्रॉपर्टी नंबर चार है अपने गामा को इसमें लिखना है, गामा को गामा इन टर्म्स ऑफ ये सारे ई डब्ल्यू जी एस, ई डब्ल्यू जी एस सारे, और एक वैसा और बच गया गामा डब्ल्यू, इन सब की टर्म में लिख देते हैं। किनको? इनको। तो भाई कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, किसी को कोई आइडिया? तो शुरुआत करते हैं गामा से। गामा का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन में नेचुरल वेट, नेचुरल या बल्क डेंसिटी होता है W, उसका क्या होता है? नेचुरल कंडीशन में उसका जो वेट अपॉन में वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम हो गया। उसके बाद मैं तो उसका क्या करना है, वेट को क्या लिख सकता हूं मैं? डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, और ये वी वी प्लस में वी एस। ठीक है, या फिर मैं उसको वैसे भी लिख सकता हूं क्या, छोटा डब्ल्यू इंटू वन प्लस डब्ल्यू एस, और उसको क्या लिख सकता हूं? वी एस इंटू, देखो भाई टोटल अभी कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में पहला रिलेशन क्या पढ़ा था? डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? डब्ल्यू एस इंटू वन प्लस स्मॉल डब्ल्यू, और कैपिटल बी क्या पढ़ा था? वी एस इंटू वन प्लस ई। ये पढ़ा था ना अपन ने पहला रिलेशन, ये दूसरा, ये पहला दूसरा। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो ऐसे बाद में वापस करूं, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे काम में ले लेता हूं। तो डब्ल्यू एस छोटा नहीं बड़ा, डब्ल्यू एस इंटू वन प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में वी एस इंटू वन प्लस ई। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला था? अब डब्ल्यू एस अपॉन में वी एस क्या होता है? गामा जी का फॉर्मूला है कि किसका है? गामा एस का। इसका फॉर्मूला ये गामा एस का, गामा एस क्या लिखा था अपन ने? गामा एस इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन में यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या लिखा था? ये लिखा था। तो भाई साहब ये गामा एस इक्वल इनटू आ गया 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। इसका फॉर्मूला, अगर बल्क यूनिट वेट का कोई फॉर्मूला पूछे मेरे से
तो क्या हो जाएगा, गामा एस इंटू वन प्लस डब्ल्यू अपॉन में वन प्लस ई। लेकिन मेरे को गामा किस फॉर्म में चाहिए था, वो अपने एक ये चीज तो बच गया, ये भी बच गया, तो अब क्या करें। तो गामा एस जी इक्वल टू क्या होता है, गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू। तो गामा एस की जगह क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू। तो बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू इंटू वन प्लस छोटा डब्ल्यू इनके वाटर कंटेंट अपॉन में वन प्लस। अब ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि इससे चार फॉर्मूले और बनेंगे। कितने बनेंगे, चार फॉर्मूले और बनेंगे। अब वो कैसे आएंगे अभी बता लेते हैं। तो ये तो हो गया डब्ल्यू की टर्म में। अब बोलोगे सर ये एस तो आए नहीं अभी भी फॉर्मूले में, तो कोई नहीं एस भी ले आएंगे, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, अपने को पता है। तो भाई इंटरचेंज कर दो, डब्ल्यू की जगह लिख दो एस ई अपॉन में जी, तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लिखे की रहने दें, लिख देते जी को अंदर डाल दो। भाई जी को अगर मैंने अंदर डाल दिया, गामा इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू वन इंटू डब्ल्यू प्लस जी प्लस डब्ल्यू जी, जी प्लस डब्ल्यू जी अपॉन में वन प्लस ई। डब्ल्यू जी की जगह लिख दिया मैंने ई एस, तो गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई एस अपॉन में वन प्लस ई। ये लो एक और फॉर्मूला आ गया। तो ऐसे फॉर्मूले बनते रहेंगे। अब ये तो सब है बल्क यूनिट वेट के फॉर्मूले। मान लो परीक्षा में सवाल आ गया इसी फॉर्मूले को इसी टर्म में सैचुरेटेड यूनिट वेट का लिखो, तो क्या करना है, सैचुरेटेड में क्या होता है, एस की वैल्यू कितनी होती है, वन हो जाती है। इसमें अब केस आ गया, पहला केस सॉइल इज सैचुरेटेड, सॉइल इज सैचुरेटेड। अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो क्या हो जाएगा, सॉइल इज सैचुरेटेड है तो गामा की जगह तो क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड, और एस की जगह क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई सिंपल अपॉन में वन प्लस ई। ठीक है, इसके बाद अगर पूछ ले गामा ड्राई, सॉइल इज ड्राई, सॉइल इज क्या है, ड्राई, तो गामा की जगह आ जाएगा गामा डी, और एस क्या होता है, जीरो। इन केस ऑफ ड्राई मैंने बताया था डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं उसको लिखूं यहां पे आ जाएगा, तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में वन प्लस ई, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी, ये एस ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया, तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन में वन प्लस ई। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। अब अपने बात करते हैं इसी में, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। मैंने क्या कहा, चार फॉर्मूला आएंगे, अभी तो तीन ही हुए, एक और बच गया, चौथा तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। भाई तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, सॉइल इज इन सबमर्ज, सॉइल क्या है, सॉइल इज सबमर्ज। अब सबमर्ज है, देखो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोशिश करो यार, आएगा, मजा आएगा, है ना, समझ में तो आ ही रहा है वैसे। तो सॉइल अगर सबमर्ज है, सबमर्ज पूरा लिख देते हैं, सबमर्ज है तो क्या करना है, गामा की जगह क्या आ जाएगा, गामा की जगह क्या आ जाएगा, गामा डैश या गामा सबमर्ज एक ही चीज है। ठीक है, ये लिख दिया भाई। अब अपने को लिख दो गामा सबमर्ज का फॉर्मूला क्या होता है, गामा सबमर्ज का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डैश इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सैचुरेटेड वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई अपॉन में वन प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है मेरे पास, और अब मेरे को पहले से पता है गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, मतलब समझ यूनिट वेट क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई अपॉन वन प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू। तो यहां से अगर मैं करूंगा तो गामा डब्ल्यू इंटू जी माइनस वन अपॉन में वन प्लस ई आएगा गामा सबमर्ज, सॉल्व कर लो यही आएगा। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या मैथमेटिक्स तो समझ नहीं रहे, अपन तो पढ़ रहे हैं बड़ी चीजें। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब भाई साहब अगला रिलेशन, रिलेशन नंबर छह, गामा के फॉर्म में गामा डी और स्मॉल डब्ल्यू इनका रिलेशन आपस में। ठीक है, तो कैपिटल गामा क्या मतलब, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम।
बल्क यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। और तो टोटल डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, पहला रिलेशन डब्ल्यू एस इंटू वन प्लस स्मॉल डब्ल्यू यानी कि वाटर हंड्रेड। तो देख लो मैंने कहा था ये है सरल लेकिन आगे बहुत काम आएगा, अब यहाँ पे काम आ गया। तो मैं डब्ल्यू की जगह क्या लिख रहा हूँ, डब्ल्यू एस इंटू वन प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में बी। तो एक बार बताओ गामा डी का फॉर्मूला क्या था, गामा डी अपन ने शुरुआत में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डब्ल्यू एस अपॉन में बी नहीं पढ़ा था, डब्ल्यू एस अपॉन बी पढ़ा था, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन में वॉल्यूम। क्योंकि भाई देखो ड्राई कंडीशन में क्या होता है, सॉलिड्स होता है और एयर, एयर का वेट तो अपन जीरो कंसिडर करते हैं, तो डब्ल्यू डी लिखो यार, डब्ल्यू एस एक ही चीज, ये भी मैंने बताया था। तो गामा डी यहां लिख दो, ये तो गामा, गामा इक्वल टू गामा डी इंटू वन प्लस डब्ल्यू। जनरली ये इस याद अपने को कैसे रखना है, गामा डी इक्वल टू गामा अपॉन में वन प्लस डब्ल्यू में, क्योंकि काम इस फॉर्म में आता है। तो ये ठीक है, कैसे आया कि अपने पता बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वेट अपॉन में टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड इंटू वन प्लस वाटर कंटेंट, उसको लिखा यहाँ ले आए पुट करा, फिर अपने आ गया वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम अपने को पता है ड्राई डेंसिटी होता है, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, फिर इंटरचेंज कर दिया, तो ये भी आ गया अपना। इसके बाद आता है गामा डी जी एन ए प्रॉपर्टी नंबर रिलेशन नंबर सेवन। ये कभी कभी देखो एक तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बाकी छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे देना वहां पे मामला अटक जाता है। तो गामा डी जी एन ए और इसके बीच में गामा डब्ल्यू और ये वाटर कंटेंट इनके बीच में, तो भाई देखो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इन सबको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वन प्लस वी एस अपॉन में वी। तो ये हो गया सारी चीजें बराबर आ गई। अब ये जब बराबर आ गया तो मेरे को एक बात बताओ, एन ए क्या होता है, परसेंटेज एयर वॉइड, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एन ए इक्वल टू क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पे कंफ्यूज ना होते हो तुम, एयर कंटेंट, एयर कंटेंट क्या होता है, एसी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इसमें इसमें फर्क समझो, यहां पर अपने कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है देखो ये एन ए, तो इसको मैंने एन ए को इधर ले रहा, वन माइनस एन एक्वल्स टू वी डब्ल्यू अपॉन में वी प्लस वी एस अपॉन में वी। तो भाई साहब अब अपने को ये एक चीज आ गई, अब ये देखो ये बाकी और भी बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो वी डब्ल्यू है अपने पास, वी है, वी एस है, वी डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में वी डब्ल्यू क्या होता है भाई, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिमिलरली यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन में यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो VW और VS को इस टर्म में चेंज कर दूंगा मैं, तो VW को चेंज कर रहा तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू वी प्लस VS को करूंगा तो डब्ल्यू एस अपॉन में गामा एस इंटू वी। वैसा जी इक्वल टू क्या होता है, गामा एस अपॉन में गामा डब्ल्यू, तो गामा एस क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू, गामा एस इक्वल टू हो जाएगा जी गामा डब्ल्यू, इसको यहां ले आया डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू वी प्लस डब्ल्यू एस अपॉन में जी गामा डब्ल्यू इंटू वी। अब मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से कॉमन ले लूंगा, किसको कॉमन लूंगा, इसको कॉमन ले लेंगे अपन भाई, अगर मैं नीचे से गामा डब्ल्यू अपॉन वी कॉमन ले लूं फिर पीछे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस अपॉन वी, कोई बात नहीं अभी इनका भी कुछ ना कुछ करेंगे अपन। तो डब्ल्यू डब्ल्यू को और क्या लिख सकते हैं अपन, वेट ऑफ वाटर को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में ये भी है, तो इसको मिटा देता हूं भाई, वाटर कंटेंट पूछ रहा है आप, ये वाटर कंटेंट को इंट्रोड्यूस कराना है। देखो इंटर रिलेशनशिप का ये कि सिंपल फंडा समझ लो, कि मान लो ये जो रिलेशनशिप है इनमें अपने इनमें आपस में रिलेशन बनाना था, तो अपन ने सबसे पहले मान लो ये फाइंड आउट करा एन ए, इसके बाद अपन ने क्या फाइंड आउट करा गामा डब्ल्यू करा, गामा डब्ल्यू के बाद अपन ने जी भी फाइंड आउट कर लिया,
अब अपने को क्या पता करना है, एक ये और एक ये, तो अपन ये वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अपने को ये फाइंड आउट कैसे करना है, तो वन माइनस एन ए इक्वल टू, अब भाई डब्ल्यू डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं अपन, वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड्स। इसको मैं यहाँ पे यूज ले लूंगा, डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह लिखा स्मॉल डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू वी प्लस यहाँ पे डब्ल्यू एस अपॉन में जी गामा डब्ल्यू अपॉन में वी। हाँ अब मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लूंगा, डब्ल्यू एस अपॉन में गामा डब्ल्यू इंटू वी, ये मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ गया स्मॉल डब्ल्यू प्लस यहाँ पे आ गया वन अपॉन में जी, ठीक है। तो डब्ल्यू एस अपन में वी क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले गामा डी, गामा डी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वेट ऑफ सॉलिड्स अपन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये हो गया अपना गामा डी, तो वन माइनस एन ए इक्वल टू गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू, सही है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा डब्ल्यू जी प्लस वन अपॉन में जी। गामा डी की फॉर्म में लिखो अगर इसको, तो वन माइनस एन ए इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में वन प्लस डब्ल्यू जी। क्या करा मैंने, मैंने सिंपल इंटरचेंज कर दिया लास्ट में। तो गामा डी को अपने को किस फॉर्म में लिखना था, इन सब की फॉर्म में, ठीक है। सब देखो ये रिलेशन में क्या करना, सबसे पहले मैंने टोटल वॉल्यूम लिखा, टोटल वॉल्यूम किसको रहा होता, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब इन तीनों को क्या करने, स्केल क्या है, मैंने क्या करा, मेरे को क्या फाइंड आउट करना, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करने के मेरे को सबसे आसान तरीका लगा एन ए फाइंड आउट करना, तो एन ए फाइंड आउट करने के लिए मैंने टोटल वी से डिवाइड कर दिया। अब एन ए मैंने फाइंड आउट हो गया, अब एन ए फाइंड आउट करने के बाद मेरे को यहाँ से सरल लग रहा है क्या फाइंड आउट करना, क्या आ जाएगा यहाँ से, मेरे को फाइंड आउट करना यहाँ से लग रहा सरल गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से मेरे को गामा डब्ल्यू कैसे निकाला, वी डब्ल्यू से और वी एस से मैंने याद है। गामा डब्ल्यू आने के बाद मेरे को जी फाइंड आउट करना आसान लग रहा है, जी कहां से लिखा, गामा एस की जगह लिख दिया जी गामा डब्ल्यू, तो ये आ गया। अब ये फाइंड आउट करने के बाद मेरे को अब वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना, वाटर कंटेंट कहां से करूंगा, मेरे पास डब्ल्यू डब्ल्यू पड़ा है डब्ल्यू एस पड़ा है, इनको मैंने कॉमन में लेके वाटर कंटेंट का फॉर्मूला डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस लिख दिया। तो वहां से डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर की जगह लिख दिया मैंने वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड्स, फिर ये कॉमन ले लिया, तो डब्ल्यू एस अपॉन वी क्या होता है अपना ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इन सबको इंटरचेंज कर दिया। तो भाई साहब ये है आपके फॉर्मूले, ये क्या है आपके इंटर रिलेशन हो गए, ठीक है। एक इंटर रिलेशनशिप और बच गया, चाहो तो करा देते हैं, वो किस में होता है, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो भाई देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। भाई अब मैं रिलेशन किस में कर रहा हूं, एसी एंड एस में, ठीक है, एसी और एस में रिलेशन कर रहा हूं। तो भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर मैं इनको डिवाइड करा दूं, वी अपॉन में वी बी प्लस वी डब्ल्यू अपॉन में वी बी, तो ये क्या हो जाएगा, वन इक्वल टू एसी प्लस एस। तो अगर मेरे को लिखना हो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस एसी, ठीक है। अब एक और रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन नंबर नौ, रिलेशन नंबर नौ फाइंड आउट करना है। अब किसमें रिलेशन नंबर नौ फाइंड आउट करना है, नीटा एसी और नीटा एम, इन सब में मेरे को रिलेशन फाइंड आउट करना है, किनमें फाइंड आउट करना है, नीटा में एसी नीटा एम। अब सबसे पहले यहां पे नीटा, पोरोसिटी, पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। अगर मैं इसको वॉल्यूम ऑफ एयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, ये लो वॉल्यूम ऑफ एयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं, ठीक है। तो देखो वी एयर अपॉन में टोटल वी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर, नीटा ए का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में टोटल वॉल्यूम, तो ये हो गया मेरा नीटा ए, ठीक है। और दूसरा एसी क्या होता है, एसी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड अभी करा, तो ये आ जाएगा एसी। ये देखो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये नीटा, तो नीटा ए इक्वल टू नीटा एस, नीटा ए इक्वल टू नीटा एस। क्या एनगी परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू पोरोसिटी इनटू एयर
कंटेंट, ये अपने रिलेशन है सारे के सारे, ये काम आएंगे। और ये सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए। याद क्यों होने चाहिए? क्योंकि परीक्षा में आपके बहुत ही बहुमूल्य सवाल आते हैं यहाँ से। बहुमूल्य इसलिए क्योंकि पैसे मिलते हैं। पैसे कैसे मिलेंगे? नौकरी लगोगे तो जिंदगी बन जाएगी, तो पैसे कमाते रहोगे। एक सवाल से कभी मान लो पॉइंटों में रहोगे तब समझ में आएगा उस सवाल की वैल्यू, है ना? तो फिर लाखों रुपए उसी सवाल से कमाओगे। तो बहुमूल्य सवाल होते हैं सारे के सारे। आपको कोई चीज छोड़ना नहीं है कि यार ये मेरे को नहीं आता, ये नहीं छोड़ना। और जो जिसमें आप कमजोर हो सबसे पहले आप वही चीज करो, ठीक है? तो ये सारे रिलेशन हो गए अपने। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए विदा लेते हैं, अपने समय समाप्त हुआ, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इंटीग्रेटेड।